हाय झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केत की और इस वक्त मौजूद हूँ BVMKU के हिंदी विभाग में। आज यहाँ पर फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया है। कुछ खूबसूरत लड़कियाँ मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आर्या, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था हम लोगों को। ओके, दो साल से? हाँ, दो साल से नहीं बोल सकते, एग्जाम देने के बाद था। उसके बाद? यस। अच्छा, तैयार होने में कितना वक्त लगा? ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है आधा घंटा। झूठ बोल रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, झुमका कहाँ से लिया आपने? अरे बॉम्बे। ये तो आसनसोल मार्केट से ली हूँ। यस। चलिए, आर्या ने सही सही एड्रेस बताया, आसनसोल मार्केट से झुमका मिल जाएगा, किसी को लेना हो तो ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइएगा, क्या यादें हैं और कैसा फील हो रहा है छोड़ कर जाने के बाद? बहुत ज़्यादा मिस करेंगे यहाँ के लोगों को, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी जी, तो उस समय में मैं बहुत नई नई थी, क्योंकि अदर स्टेट से मुझे आना पड़ा था यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो कोई दोस्त नहीं था, टीचर से भी उतना संपर्क नहीं था, तो ऐसा लगता था कि क्लास से भाग जाऊँ, क्लास ही ना करूँ। ओके। और आज का समय ऐसा है कि जिधर भी से गुजर रही हूँ, बस ऐसे आ रहा ऐसे करके आवाज़ें आ रही है, या फिर हम लोग चले जाएँगे जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को में भी आपस में हम लोग बातें कर रहे हैं कि अरे चले जाएंगे, कैसा फील होगा, कभी मिल नहीं सकते अब दोबारा। शायद इनमें से ना जाने कितने चेहरे अब सपने हो जाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही। हमारे साथ एक और सुंदरी है, मैडम आ जाइएगा इस तरफ। थोड़ी नाजुक सी है इसीलिए इनको पकड़ कर लाना पड़ रहा है। सबसे पहले मैडम का इंट्रोडक्शन जानते हैं। मैडम, क्या बताना चाहेंगी दर्शकों को अपने बारे में? कुछ खास तो नहीं है, ऐसा कि पहले भी आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू ले चुका है, आप लोगों ने मुझे बहुत फेमस कर दिया। तो हमारे साथ है द फेमस अनामिका मैडम। तो मैडम, पहले ये बताइएगा, समझने में कितना वक्त लगा? ज़्यादा नहीं, वैसे डिसाइड करने में ज़्यादा टाइम लगा, क्या पहनना है और साड़ी पहनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। बाकी तो साड़ी पहनने से पहले आपने फेसबुक का रील्स देखा क्या, साड़ी कैसे पहनी? नहीं, बस मैंने मम्मी को बोला कि थोड़ा अच्छे से पहना देना ताकि मैं सुंदर लग सकूँ। चलिए, मैडम जो है वो सही सही बता रही है जो भी है। अच्छा, एक बार बताइएगा, आपने अपने झुमके कहाँ से खरीदे? अफकोर्स, पुराना बाजार। पुराना बाजार फेमस है, फेमस है, पुराना बाजार से झुमके लिए जा सकते हैं। कैसी फीलिंग्स है? फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और दुख भी हो रहा है कि आज हमारे यहाँ लास्ट डेट डे है यहाँ पे, और फिर हम पता नहीं कब यहाँ आएंगे, कब सबसे मिलेंगे, बस इसके लिए थोड़ा ख़राब लग रहा है। लेकिन इस दिन के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे बहुत पहले से। ओके, तो हमारे दर्शकों के लिए एक गाना आप गा सकती हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे? हाँ, थोड़ा सा। चलिए, तो अनामिका मैडम हमारे साथ थी, फेयरवेल की ये तस्वीरें। अच्छा, एक बात और बताइएगा, BVMKU में जो एडमिशन ले रहे हैं, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, लेना चाहिए। हर चीज़ का फील करना चाहिए, हर चीज़ का थोड़ा मज़ा लेना चाहिए। ओके, सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन से टीचर रहे? सारे टीचर हैं हमारे डिपार्टमेंट, सबसे पहले मुकुंद सर, ये सबके फेवरेट है। डांट किससे पड़ी? डांट वैसे मुझे यहाँ किसी से नहीं पड़ी, सर बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब। ओके, थैंक यू। तो ये तस्वीरें हैं BVMKU के हिंदी विभाग की, और इस तरफ आप देख रहे हैं स्वागत के लिए जूनियर्स जो हैं वो कतारबद्ध हैं, सीनियर्स का स्वागत फूल बरसा कर किया जा रहा है। कुछ लड़के हैं जो मैनेजमेंट में, नाम क्या हुआ? अमरदीप कुमार। किस जूनियर है या सीनियर? जूनियर। कितने दिनों से तैयारी चल रही थी? चल रही है अभी लगभग वन मंथ से। वन मंथ से, yes. क्या फीलिंग्स है आज? फीलिंग तो बहुत अच्छा है मैम। ओके, मतलब जूनियर्स जा रहे हैं तो क्या लग रहा है, अच्छा हुआ चले गए? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, लेकिन आज क्या क्या तैयारियां की गई हैं उनके लिए? तैयारियां हुआ है ये स्वागत करने के लिए, सभी गाना का ये डांस प्रोग्राम है, ओके। और भी जो भी सब हमारे जितने भी स्टूडेंट लोग हैं वो सब अपने अपने तरह से कुछ तैयारियां करके आए हुए हैं। ओके, मतलब कार्यक्रम की, कार्यक्रम के लिए। ओके, चलिए, थैंक यू। तो तस्वीरें BVMKU के हिंदी विभाग की हैं, आज फेयरवेल पार्टी यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है और बस कुछ ही देर में फेयरवेल पार्टी शुरू होने वाली है।